यहाँ उपस्थित सभी आदरणीय बुजुर्गों को प्रणाम करता हूँ, नौजवान साथियों का आह्वान करता हूँ। मंचस्थ आदरणीय अहमदुल्ला खान साहब एडवोकेट, बड़े भाई संगम लाल सिपकार जी, पूर्व विधायक आदरणीय रामसागर अकेला जी, सफीक भाई, राजेश्वर जी, राम केवल जी उपस्थित सम्मानित मंच में एक एक नाम लूंगा तो बड़ा समय लग जाएगा, क्योंकि यहाँ के बाद तुरंत हमें हरिहरगंज में भी जाना है, उसका भी समय हो रहा है उस मीटिंग का, क्योंकि आप जानते हैं मीटिंग समय के अंदर ही समाप्त करनी होती है, तो वहां भी अंतिम सभा का मुझे संबोधन करना है, क्योंकि अभी अपने इलाके में मैं वोट नहीं मांग पाया हूँ और वही शायद हमारी लास्ट मीटिंग होगी। मैं यहाँ आपके बीच में आया हूँ, अभी मैं सुन रहा था पूर्व वक्ताओं को, जोकू भैया को, आदरणीय राम सागर जी को, राम केवल जी को, कि यहाँ विषम परिस्थिति की बात हो रही है, तो निश्चित रूप से मैं भी मानता हूँ कि यहाँ बड़ी ही विषम परिस्थितियां हैं, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में लड़ाई सिर्फ दो तरफा है, दो लाइनें लगी हैं, और ये चुनाव सिर्फ आम चुनाव नहीं है, सिर्फ उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं है, ये चुनाव भविष्य का निर्धारण है इस हिंदुस्तान का, ये चुनाव ही निर्धारित करेगा कि दिल्ली पे कौन राज करेगा आने वाले दिनों में, ये चुनाव ही इस बात का निर्धारण करने वाला है कि आगे लोकतंत्र रहेगा, हमें आपको वोट का अधिकार रहेगा कि नहीं रहेगा, ये चुनाव बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को बनाए रखने का है, ये चुनाव ये साबित करना है कि अगर इन झूठे और जुमलाबाजों की सर कहीं जीत होती रही इन फांसीवादी ताकतों की, तो वह संविधान बदलने का मनसूबा है उनका। ये चुनाव सिर्फ आम चुनाव नहीं है, ये चुनाव फांसीवादी ताकतों से, झूठ बोलने वालों से, जुमलेबाजों के खिलाफ एक जंग है, एक लड़ाई है। हमारे आपके पुरखों ने मिलकर के कुर्बानियां दी थी, शहादत दी थी, और इस हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आजाद कराया था, और उन्होंने आजाद कराने के बाद जो हिंदुस्तान दिया, हमारे आपके पूर्वजों ने उस हिंदुस्तान का निर्माण किया जो एक समृद्धशाली था, लेकिन राम के नाम पर और जुमलेबाजों के नाम पर भावनात्मक रूप से खेल करके जिन्होंने सरकार बना ली, हमारी बिरादरी को, हमारे लोगों को बदला करके जिन्होंने सरकार बना ली, वो एक एक करके इस हिंदुस्तान को बेचने पे तुले हुए, इसकी सारी संपत्तियों को बेच रहे हैं। ये निर्धारण है कि हमारे आने वाले युवाओं को, हमारे आने वाली जनरेशन को, हमारी नस्लों को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये निर्धारण करेगा कि किसानों को उनका खेत का मालिकाना हक बना रहेगा कि नहीं रहेगा। मैं ये बात आज कहकर आपके बीच में जा रहा हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक बयार बढ़ रही है, एक सुनामी आई हुई है। अभी हमने सुना कि सरकार बना दे, तो सरकार बनाने भर के विधायक तो पांचवें राउंड तक ही हमें मिल गए। बगल में पता कर लीजिए, श्रावस्ती में दो की दोनों सीट साइकिल, गोंडा में पता कर लीजिए 27 तारीख को गोंडा के लोगों ने वहां की सात की सातों सीटों साइकिलों को जता दी। यहां तक कि जो हेलीकॉप्टर उड़ाया करता था, जो स्कूटर उड़ाया करता था, और स्कूटर उड़ा उड़ा करके हेलीकॉप्टर ले आया, और हेलीकॉप्टर उड़ा करके यहां धूल में झोंक दिया उसने धूल को, उसका बेटा भी हार गया। अच्छा आप बताओ, 27 तारीख के बाद जो अहंकारी भाषा वो बोल रहे थे, कहीं निकल रही आवाज, कहीं निकल रही हो तो बताओ, कहीं नहीं निकल रही। उन्होंने 26 को जब मैं मंच पे चढ़ा, उसके बाद जो माया शुक्ला के ठेक वालों को मारे, इवाद के ब्राह्मणों ने उसको श्राप दे दिया और वो गद्दी से उतर गया। मैं ये बात इसलिए कहने आया हूँ आपसे, मैं किसी जात की बात विशेष नहीं करना हूँ, क्योंकि ये आंदोलन जब स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई थी तो जात नहीं था, उसमें हिंदू भी थे, ब्राह्मण भी थे, अग्रे भी थे, पिछड़े भी थे, मुस्लिम भी थे, दलित भी थे, सबने मिल करके वो लड़ाई लड़ी थी। आज फिर वो दिन आ
सरकार बननी थी, अब तो आपको बोनस दे रहा है, उसके ऊपर बढ़ना है कि दिल्ली तक हिल जाए इनकी सरकार, इनकी चूल्हे हिल जाए और 24 में किसानों का और यहाँ के नौजवानों का राज, ये परचम दिल्ली तक फहराए और उस पर किसान का बेटा बैठे। ये बात इसलिए कह रहा हूं मैं कि ये झूठे लोगों की सरकार जो 15 लाख दे रहे थे, जिनका गृह मंत्री कहता है कि 12वीं पास करके इंटर में एडमिशन कराएंगे, वो तो उनको मानेंगे। जो अपने बच्चों को 12वीं पास कराने के बाद फिर से इंटर में पढ़ाने वाले हैं, वो उनका झंडा उठाएंगे। जो झूठ बोल रहे हैं वो उनका झंडा उठाएंगे। जो बेईमानी से ये कह रहे हैं कि ईवीएम में हमारा ही जीतेगा, वो उनका झंडा उठाएंगे। यहाँ कर्मचारियों ने सब पता कर लीजिए, 95% कर्मचारी साइकिल का बटन दबाया है। तो पहले राउंड का चुनाव तो आप जीत चुके हैं, कर्मचारियों ने जो वोट डाला है उसमें अब्दुल मसूद था 95% पाकर के आ गए। अब 3 तारीख को किसानों को वोट देना है। हम सब किसान हैं, हम सब किसान घर में हैं भैया, हम के नहीं है कितने किसानों को देख ली, हमों के नहीं हो, हम लोग खेती करी थे ना, पहले परेशान हो पहला हटी है, तो 3 गेंद हाँक दो उनको, डबल महिला हाँको। ये चाहते कि थाने पैसा दे पड़े, विधायक कहे कि जाओ पैसा दे दो मैनेज कर जाओ, चाहत तो कि विधायक तार फोन करे तो थानेदार उठक बैठक लगावे लगे, तार सुनी जाए। अगर ये चाहत हो कि आपके लड़कों को नौकरी मिले, नौकरी भर्ती बंद हो गई जब से भाजपा आई, बच्चे की उम्र बढ़ रही है, ये बच्चे निराशा के शिकार हो रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपका नौजवान नौकरी पाए, भर्ती खुले, तो ये गर्मी दिखाने वालों की गर्मी निकाल करके 3 तारीख को भर्ती का रास्ता खोल दो। 3 तारीख एक अहम तारीख है, वहां सिर्फ 2 लाइनें लगनी है, एक हिंदुस्तान को बेचने वालों की और दूसरी बड़ी लाइन होती है हिंदुस्तान को बचाने वालों की। 5 राउंड में इलेक्शन कराया है और 5 राउंड में हिंदुस्तान के बचाने वालों की लाइन 90% की है। इसलिए आपसे निवेदन है कि 90% हर बूथ पर साइकिल का बटन दबाना, अखिलेश भैया को मुख्यमंत्री बनाना, समाजवादी सरकार बनाना, ये समाजवादी ही लड़ करके क्रांति ला करके इसको बचा सकते हैं। वो कहते हैं फ्री राशन दे रहे हैं, वो मास्क तक दे रहे हैं। अखिलेश जी का कहना है कि जब तक समाजवादी सरकार रखोगे तब तक फ्री राशन पाओगे, साथ में घी भी पाओगे, बच्चों के लिए मिल्क पाउडर भी पाओगे और सरसों का तेल भी पाओगे, हमारे नमक में बालू नहीं मिला होगा, हमारे रिफाइंड हम नहीं देंगे, जो मिलावटी है हम शुद्ध कड़वा तेल देंगे और शुद्ध घी देंगे। क्या चाहते हैं, क्या ये चाहते हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री हो, गांव में कोई 300 यूनिट से ज्यादा की बिजली नहीं खर्च करता, ये चाहते हो तो हाथ उठाओ। क्या आप चाहते हो कि आपको किसानों का कर्जा माफ हो, ब्याज रहित किसान को ऋण मिले चाहते हो? क्या आप ये चाहते हो कि आने वाले दिनों में आपके बच्चों की भविष्य सुरक्षित रहे और इस देश का किसान खुशहाल रहे, आपके खेतों को पानी फ्री पहुंचे चाहते हो? हम लोग आए थे रांची प्रोजेक्ट कि बाढ़ से मुक्ति मिलेगी और यहाँ जहाँ बोरिंग नहीं पास होती है वहाँ भी सिंचाई का साधन होगा और यहाँ बिजली पर आएंगे कि पूरे मंडल को बिजली मिल जाए। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से मैं हारा हूँ अभी तक उस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर पाई है, 3000 करोड़ का प्रोजेक्ट, और आपके क्षेत्र में ही सबसे ज्यादा है, और जिस दिन वो बन जाएगा ये क्षेत्र खुशहाल हो जाएगा, इतना अनाज पैदा होगा, इतना रोजगार मिल जाएगा लोगों को कि आपके बच्चों को कहीं बाहर नहीं जाना होगा। ये मथुरा घाट का पुल अभी पेंडिंग है, हमने भाजपा के सांसदों से कई बार कहा, विधायकों से, कि सिर्फ एक क्वेश्चन लगा देना मथुरा घाट का, नाबार्ड में फाइल पड़ी है चली आएगी। क्या आप चाहते हैं कि बने? अखिलेश जी कह के गए हैं तो
अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाना होगा, मसूद खान को जिताना होगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये किसी के ईगो की लड़ाई नहीं है, ये भावनाओं में मत आना, किसी के भावना को मत लड़ना। सब हमारे परिवार हैं, उनको भी आप अपनाया जाएगा और मसूद भाई भी उनको अपनाएंगे, सारे परिवार को। आज उत्तर प्रदेश ही नहीं देश का सवाल है, इस देश के भविष्य का निर्माण आपको करना है, इसलिए आपको साइकिल का बटन 3 तारीख को बना करके अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाना है, मसूद खान को विधानसभा में पहुंचाना है। मैं फिर से आपसे अपील करना चाहता हूँ, तमाम लोगों ने कल ही से मुझे फोन किया और जब हमारे यहाँ बुलंदपुर में मध्यनगर से और कई जगह से फोन आए, आप पता कर लेना असलम रायनी का चुनाव गड़बड़ था, लेकिन 26 की और 27 की रात में ही 50 पोलिंग स्टेशन जो हमारे लोगों के थे बाबा के, उस पर मसूद खान और असलम रायनी का राशन साइकिल चली है, जीते हैं आज नंबर 1 के है। इसलिए मैं आपसे अपील करके जा रहा हूँ कि ये सिर्फ अखिलेश ही नहीं, सिर्फ बिंदु पांडे ही नहीं, सिर्फ मसूद ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के किसानों का सवाल है, जिनके साथ जिस परिवार के साथ साथ लोग काले कानून जो किसान आंदोलन था उसके खिलाफ आंदोलन करने में उनको जान कुर्बान करनी पड़ी। अरे अगर तुम्हें ये कानून वापस ही लेना था तो 750 किसान परिवारों के उन किसानों का क्या तुम जिंदगी वापस कर सकते हो? नहीं कर सकते, ये उसकी हत्यारी सरकार है, इसलिए आपको हटाना होगा। और हम किसान हैं, इसलिए किसान की मौत का कुर्बानी का बदला लेना हमारा आपका कर्तव्य है, यही हमारे उन किसान भाइयों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं फिर आपसे ये अपील करता हूँ कि अपने नौजवानों के लिए, अपने नौजवान साथियों से अपील करता हूँ कि अपने भविष्य के लिए, इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए और अपने जिले के लिए और अपनी विधानसभा के लिए, इस मथुरा बाजार और तुलसीपुर के भविष्य के लिए 3 तारीख को कुछ मत सुनना, आज ही से लग जाओ, 24 घंटे आपके पास है, 5 बजे प्रचार बंद हो जाएगा। हाथ उठो कि हम अब नहीं बैठेंगे चैन से जब तक हम साइकिल का बटन नहीं दबवा लेंगे और भारी मतों से इसको नहीं जिता लेंगे। पता कर लो, आज बलरामपुर में कम से कम 50,000 वोटों से जगराज जीत रहा है, क्या 50 आ गए आपके आगे तुम बनना चाहोगे? 60,000 से कम मसूद खान को जिता देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।